एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूँ, उसका नाम है नोवार्टिस। ये भारत में आई तो इन्होंने जो पूंजी निवेश भारत में किया वो करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास का इनका पूंजी निवेश है, इनिशियल पेड अप कैपिटल। और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है वो 94 करोड़ 46 लाख रुपए है हर साल का। एक साल का 94 करोड़, दो साल का लगभग 200 करोड़ के आसपास हो गया, तीन साल का 300 करोड़ के आसपास। और इस कंपनी को काम करते हुए 40 साल हो गया इस देश में से, इसने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से लूट लिया। एक और कंपनी का नाम बताता हूं, हॉलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है फिलिप्स। ये टेलीविजन बेचती है, बल्ब बेचती है, ट्यूब बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचती है। इस कंपनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए की इसने पूंजी लगाई थी। अब इस कंपनी का एक साल का जो नेट प्रॉफिट है जिसको ये कंपनी लूट कर हॉलैंड ले जा रही है वो 190 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया और 190 करोड़ रुपए हर साल ये भारत से लेके जा रहे हैं। और एक साल में 190 करोड़, दो साल में 380 करोड़, और फिर तीन साल में, चार साल में। और इस कंपनी को काम करते हुए भी भारत में 45 से 50 साल हो गया है, लगभग हजारों करोड़ रुपए इसने भी लूट लिया है। ऐसी एक और कंपनी बताता हूं, टायर बेचने वाली एक कंपनी है, गुडियर उसका नाम है, मूलतः अमेरिकन कंपनी है। इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाई 2 करोड़ 37 लाख रुपए। अब ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहाँ से वो 40 करोड़ रुपए हर साल वो यहाँ से नेट प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाते हैं। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसका नाम है ग्लैक्सको, दवा बेचती है, दवा के क्षेत्र की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनका जो पेड अप कैपिटल है करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में, और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537 करोड़ 66 लाख रुपए। एक और कंपनी है, उसका नाम है फाइजर, ये अमेरिकन कंपनी है, दवा बेचती है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने भारत में व्यापार शुरू किया था 2 करोड़ 90 लाख रुपए से, और आज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे देश से जो ये कमा रहे हैं वो 338 करोड़ रुपए। फिर ऐसे ही एक और कंपनी है, उसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भारत में आई तो इन्होंने पूंजी निवेश किया था 1 करोड़ 40 लाख के आसपास। अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं हर साल का 68 करोड़ रुपए। फिर और एक कंपनी है जो सिगरेट बेचती है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भारत में, और सिगरेट बेचकर हिंदुस्तान के लोगों के फेफड़े गलाती है, लोगों को व्यसन करवाती है। इस कंपनी का भारत देश में जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो मात्र 37 करोड़ रुपए का है, और इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 3,120 करोड़ रुपए का है, एक साल का प्रॉफिट। और इसको भारत में काम करते हुए करीब करीब 60 साल हो गए। कुल 38 करोड़ रुपए लगाकर इस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए यहां से लूट लिए। और आप जानते हैं भारत में कि लगभग 5 लाख लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं, उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है। पहले सिगरेट बेचना, लोगों को कैंसर से मारना, फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना, फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है, आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। इस कंपनी की हर साल इस देश में 20 अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है, लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है। हम हिंदुस्तानी लोग पेड़ लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए, लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड़ को आईटीसी कंपनी कटवा देती है।
तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये सूची बहुत लंबी है। मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लिए, हिंदुस्तान लीवर, कॉलगेट, पामोलिव, फिलिप्स, फाइजर, ग्लैक्सको, गुडियर, क्योंकि ये नाम आप जानते हैं। ऐसे 5000 नाम है, हर एक कंपनी का एक एक आंकड़ा हमारे पास है। किसी कंपनी ने 2 करोड़ की पूंजी लगाई और वो हर साल 180 करोड़ कमा रही है, उसका नाम है बाटा। बाटा की भारत में 2 करोड़ की पूंजी है, इनिशियल पेड अप कैपिटल, और एक साल का उसका नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए का है इस देश में। इसी तरह से नेस्ले एक कंपनी है, इसी तरह से हिंदुस्तान में 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, थोड़ी थोड़ी पूंजी लाकर, थोड़े थोड़े पैसे लाकर, 10-20-50 लाख रुपए के, और वो करोड़ों करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहाँ से ले जा रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है, भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है। और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियाँ भारत में बढ़ रही, भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं। अगर आप एक मिनट के लिए ये मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है, अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन 2 साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़, सरकार के आंकड़े। सरकार कहती थी कि 1947-48 में गरीबों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आईं। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई। आज़ादी के दूसरे ही साल में 126 कंपनियां, अब आज़ादी के 62-63 साल के बाद 5000 विदेशी कंपनियां। तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाईं, 5000 कंपनियां उससे ज़्यादा ही लाएंगी, तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। आज़ादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़, अब आज़ादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में, अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं, तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है क्योंकि पूंजी यहाँ से लूट कर विदेशों में जाती है, यहाँ पूंजी विदेशों से आती नहीं। अब एक दूसरा तर्क जो हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार का दूसरा तर्क है कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। कोशिश की है हमने पिछले हिंदुस्तान के 62 साल के निर्यात के आंकड़े इकट्ठे करें और वो निर्यात के आंकड़े हमें मिल गए। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी की मदद से भारत के पिछले 62 साल के निर्यात के आंकड़े मिल गए। और पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, निर्यात हमारा कम हो रहा है। जब विदेशी कंपनियां नहीं थी इस देश में तब हम बहुत ज़्यादा निर्यात करते थे, और जब से विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ निर्यात घटता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दूं, हमारे देश में जब एक ही विदेशी कंपनी थी ईस्ट इंडिया, सिर्फ एक कंपनी थी अंग्रेजों की, उस समय सारी दुनिया में हम निर्यात करते थे। और हमारा निर्यात कितना होता था,
सन 1813 से 1840 के बीच में अंग्रेजों की सरकार ने भारत का सर्वेक्षण कराए और कई सर्वेक्षण कराए, आर्थिक सर्वेक्षण कराए, शिक्षा का सर्वेक्षण कराया, चिकित्सा का सर्वेक्षण कराया, भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है उसके सर्वेक्षण कराए। तो 1813 से 1840 के बीच में जो विभिन्न सर्वेक्षण हुए उनमें से एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। वो आंकड़े बताते हैं कि जब एक विदेशी कंपनी इस देश में थी, ईस्ट इंडिया, तब हम दुनिया में 33% निर्यात करते थे। और ध्यान रखने की बात है कि ये हमारा निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी, हम खुद करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या करती थी, हमारे देश में आकर अपने देश का कुछ माल बेचते थे और जो वो बेचा हुआ माल है उसको संतुलित करने के लिए यहाँ से कुछ खरीद के अपने देश में ले जाते थे। तो उनका निर्यात तो मामूली सा होता था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने तो कुल निर्यात के आंकड़े निकाले 1840 के, तो भारत का कुल निर्यात अगर 100 रुपये का होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्यात उसमें 3 रुपये 60 पैसे का होता था, बस 3.6% अंग्रेजों के ज़माने में। इस बात को ठीक से समझिएगा, हम भारतवासी, भारत के व्यापारी, भारत के उद्योगपति सीधे दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे अगर 100 रुपये का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल खरीद कर विदेशों में बेचती थी 3 रुपये 60 पैसे का। माने हमारे कुल निर्यात का 3.6% निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। ये थी हमारी आज़ादी के पहले की स्थिति जब एक कंपनी इस देश में थी। अब हमारे देश में कंपनियों की संख्या बढ़ के 5,000 हो गई, तो क्या होना चाहिए, निर्यात बढ़ना चाहिए। पहले एक कंपनी इतना निर्यात करती है तो 5,000 कंपनियों के द्वारा तो ज़्यादा निर्यात होना चाहिए, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा निर्यात आज़ादी के पहले जितना ज़्यादा था, आज़ादी के 62 साल के बाद बहुत 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 कम होता चला गया। अब मैं कुछ कुछ साल के हिसाब से बताता हूँ। हमारा निर्यात 33% था 1840 तक, फिर उसके बाद 1938 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात हो गया 4.5%, फिर 1950 के आते आते हमारा निर्यात हो गया 2.2%, फिर 1955 तक आते आते दुनिया में निर्यात हो गया 1.5%, फिर 1960 तक दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 1.2%, फिर 1965 तक हमारा निर्यात हो गया 1%, फिर 1970 तक सारी दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 0.7%, फिर 1975 तक हमारा निर्यात हो गया 0.5%, फिर 1980 में हमारा निर्यात हो गया 0.1%, फिर 1990 में हमारा निर्यात हो गया 0.05%, और फिर 1991 में हो गया 0.045%, फिर 92 में हो गया 0.042%, फिर 93 में 0.04, फिर 94 में 0.38, और ऐसे चलते 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 अभी मैं 2008 और 9 की बात करूं तो दुनिया में हमारा निर्यात है अभी 0.5%, माने आधा प्रतिशत हमारा निर्यात है दुनिया के बाजार में। जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब निर्यात था 33%, और अब 5,000 विदेशी कंपनियां हैं, तब दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात है 0.5%। आप बताइए, निर्यात कम हुआ है या बढ़ा है? बहुत तेजी से कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि विदेशी कंपनियां भारत का निर्यात नहीं बढ़ाती हैं। तो क्या बढ़ाती हैं विदेशी कंपनियां? विदेशी कंपनियां उल्टा काम करती हैं, भारत में आकर भारत का आयात बढ़ाती हैं, इम्पोर्ट बढ़ाती हैं, क्योंकि सभी विदेशी कंपनियों को भारत में निर्यात के ज़्यादा आयात करने में रस पैदा होता है, रुचि होती है। क्यों? क्योंकि वो आयात करेंगे तो फ़ायदा उनके देश को मिलेगा ना। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, एक अमेरिका की कंपनी भारत आ गई, अब वो अमेरिका की वस्तुओं को भारत में लेके आएंगे और बेचेंगे तो मुनाफा अमेरिका को मिलेगा ना, तो इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि अमेरिकन चीज़ों का आयात भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि भारत का मुनाफा अमेरिका में ज़्यादा जाए। तो वो कंपनी अपना
शुद्ध मुनाफा लेके जाएगी वो तो है ही, अमेरिका से कच्चा माल खरीद कर, अमेरिका से तकनीकी खरीद कर भारत में लाकर बेचेंगे और उसका पैसा भी अमेरिका लेके जाएंगे, ये दूसरा लाभ है उनका। इसलिए वो कभी भी भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं आते, वो तो भारत का आयात बढ़ाने के लिए, इम्पोर्ट बढ़ाने के लिए आते हैं। मैं और एक जानकारी दूं आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो भारत का जो कुल निर्यात दुनिया में होता था उसका 3.6% ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, अब हमारे देश का जो कुल निर्यात दुनिया के देशों में होता है उसका 5.52% निर्यात ही विदेशी कंपनियां करती हैं, जबकि उनकी संख्या 5,000 से ज़्यादा हो चुकी है। माने वो हमारे देश का निर्यात नहीं बढ़ा रहे हैं, वो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आयात करके सामान यहाँ लाकर बेच रहे हैं ताकि यहाँ से पैसा उनके देश में चला जाए और उनको उस पैसे से फ़ायदा हो, ना कि भारत का निर्यात बढ़ाने से। और एक दूसरी जानकारी देता हूँ, जब जब विदेशी कंपनियाँ भारत में आती हैं उनका भारत सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि भारत की मुद्रा रुपये की कीमत को गिराया जाए। मैं आपको पुरानी एक जानकारी देता हूँ, जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को तो हमारी जो मुद्रा है जिसको हम रुपया कहते हैं और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है वो दोनों बराबर थे, एक रुपया एक डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को, और हमारा जो रुपया है और स्टर्लिंग पाउंड है ब्रिटेन का वो भी बराबर था, एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड। फ्रांस की एक मुद्रा है उसका नाम है फ्रेंक, तो भारत का एक रुपया और फ्रेंक बराबर था। जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूशमार्क, तो ड्यूशमार्क एक और भारत का एक रुपया बराबर था। माने दुनिया के चार प्रमुख देशों की एक एक मुद्रा का भारत के रुपए के साथ तुलना किया जाए तो बराबर था। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2-2.5 साल तक एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई, क्योंकि शास्त्री जी की नीति थी स्वदेशी की नीति। वो करीब 18 महीने इस देश में प्रधानमंत्री रहे, 18 महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कंपनी को इस देश में नहीं आने दिया। एक और प्रधानमंत्री हुए इस देश में मुरारजी देसाई, जिन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं दिया। वो तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री थे। श्री मुरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कंपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी। मुरारजी देसाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस दिया था। वो नोटिस में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, माने आपको पूरा भारत में मिला देंगे, माने कोका कोला की सारी संपत्ति भारत की हो जाएगी। तो कोका कोला कंपनी डर गई, भारत छोड़ के भाग गई। इसी तरह से एक अमेरिकन कंपनी को भगाया उन्होंने, उसका नाम था IBM, और एक अमेरिकन कंपनी को भगाया ICL। ऐसी कई विदेशी कंपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। अब क्या हुआ, जिन जिन कंपनियों को भगाया था मुरारजी भाई देसाई ने और जॉर्ज फर्नांडिस ने, वो फिर से घुस गई इस देश में। कोका कोला फिर से आ गई, IBM फिर से आ गई, ICL फिर से आ गई, और हजारों हजारों दूसरी कंपनियों को लेके आ गई। तो मैं आपको बता रहा था ऐतिहासिक बात वो ये कि दो भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और मुरारजी देसाई, इन्होंने विदेशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि उनको भगाया। बाकी सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेशी कंपनियों को बुलाया और उन सभी विदेशी कंपनियों को बुलाकर उन्होंने यही कोशिश की कि भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े। निर्यात इस देश का बढ़ा नहीं, लगातार कम हुआ। और वो क्यों कम हुआ, वो एक बात गहरी है जो जानने की है, वो ये कि भारत के ये दो प्रधानमंत्रियों को छोड़कर, एक तो मुरारजी देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री, सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत के रुपए की कीमत को गिराया, बढ़ाया नहीं, रुपए का अवमूल्यन किया, रुपए की ताकत बढ़ाई नहीं, रुपए की ताकत को कम किया। अब कीमत गिरते 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 आ गई है 50 रुपए एक डॉलर। अब आप सोचिए कि 1947 में एक रुपया एक डॉलर,
अब 2009 में 50 रुपया एक डॉलर। इसका मतलब क्या है, 1947 में अगर हम अमेरिका को एक रुपए की चीज़ निर्यात करेंगे तो हमारी आमदनी होगी एक डॉलर, अब 2009 में हमें अमेरिका को 50 रुपए की चीज़ निर्यात करनी पड़ेगी तब आमदनी होगी एक डॉलर। माने जितनी चीज 1947 में बेचकर हम एक डॉलर कमाते थे अब उससे 50 गुना ज़्यादा चीज बेचनी पड़ेगी तब हमें एक डॉलर मिलेगा। इसका माने निर्यात की मात्रा हम कितनी भी बढ़ाते चले जाएं लेकिन निर्यात की आमदनी हमारी हमेशा कम और कम और कम ही होती जाएगी क्योंकि रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती चली जाएगी। तो हमको जो गहराई से बात समझनी है वो ये कि विदेशी कंपनियों के आने के बाद सरकार जो रुपए का अवमूल्यन कर देती है उसके कारण निर्यात लगातार गिरता जाता है, तो कोई भी विदेशी कंपनी कितनी भी ताकत भी लगाएगी तो भी निर्यात बढ़ेगा नहीं और वो वैसे भी कोई ताकत नहीं लगाने वाले इस देश का निर्यात बढ़ाने के लिए। तो हमारे दिमाग में ये स्पष्टता हो जानी चाहिए कि विदेशी कंपनियों के आने से बिल्कुल निर्यात नहीं बढ़ता है बल्कि निर्यात तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ता है। मैं एक बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि जो कुल निर्यात हम दुनिया में करते हैं उसका लगभग 95% निर्यात हमारे स्वदेशी उद्योग वाले लोग करते हैं, कारीगर करते हैं, व्यापारी करते हैं। स्वदेशी व्यापारी, स्वदेशी उद्योगपति, स्वदेशी कारीगर, स्वदेशी मजदूर जो पैदा करते हैं उससे हमारा 95% निर्यात है। विदेशी कंपनियां तो मुश्किल से 5% निर्यात हमारा करती हैं, इसलिए वो निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में कभी नहीं आते। अब और एक तीसरा तर्क है कि विदेशी कंपनी आती है तो हाई टेक आता है इस देश में, टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी आएगी तो देश को तरक्की होगी, विकास होगा, तो तकनीकी लाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। जो जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं उनके जो समझौते हैं भारत सरकार से तो उसमें तकनीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिल्कुल उल्टा नज़र आया, चित्र दूसरा ही नज़र आया। पता ये चला कि 90% से ज़्यादा विदेशी कंपनियां कोई तकनीकी लेके आती ही नहीं। तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं, वो शून्य तकनीकी के क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, साबुन बनाने का काम है ये शून्य तकनीकी का काम है, इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबुन बना बना के बाजार में बेच रहे हैं। साबुन बनाना कोई हाईटेक काम नहीं है, उच्च तकनीकी का काम नहीं है, उसमें विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं जिनकी संख्या कम से कम 50 है। हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कॉलगेट पामोलिव है, ऐसी 50 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां साबुन बना के बेच रही हैं अलग अलग नाम से, लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी सोप वगैरह वगैरह, ये सब साबुन विदेशी कंपनियों के हैं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप मुझे बताइए आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश में, कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की माँ या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती, और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है पेप्सी कोला, वो चिप्स बना के बेचती है। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके, और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। इसी तरह से आम का अचार डालना कौन सी ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कंपनी की ज़रूरत है। विशाखापट्टनम में मैं व्याख्यान देने गया था 3 साल पहले, तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने 20 साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था, तो वो लगता था कि ये 20 साल सुरक्षित कैसे है। तो मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कुछ साधारण सी बात है, तेल डाला है, फिर मेथी दाना डाला है, फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्ध जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो डाली हैं, उसी से 20 साल सुरक्षित है। विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा हो ही नहीं पाती, वो तो 2-3 साल में ही उनका आम का अचार ख़राब हो जाता है, और ज़्यादातर विदेशी कंपनियों के आम के अचार के पैकेट पर लिखा रहता है कि 3 महीने से 6 महीने में खा के इसको ख़त्म कर दीजिए नहीं तो बेकार हो जाए।
कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं, या बोतल में पानी भर के यहाँ बेच रहे हैं, या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं, या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर, या बिस्किट बनाकर, या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर। ये सब शून्य तकनीकी के सामान हैं, इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और 90% से ज़्यादा विदेशी कंपनियाँ इसी क्षेत्र में घुसी हुई हैं, उत्पादन और व्यापार। मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बाटा। बाटा की मैंने सभी बैलेंस शीट देखी जो भारत सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, इनके जो MOUs हैं उनमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है वो क्या, जूते बनाने की टेक्नोलॉजी, मोजा आप समझते हैं जूते के अंदर आप पाँव में पहनते हैं उसको बनाने का, कपड़े बनाना हमको नहीं आता क्या, हजारों साल से भारत कपड़े का उत्पादन कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, तो वो कहते हैं हम कपड़े बना कर देंगे, चमड़े के थैले, चमड़े के पर्स, वॉलेट वगैरह आदि आदि, तो ये बाटा कंपनी बनाती है। इसमें एक भी सामान हाईटेक नहीं है। इसी तरह से एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड जो ब्रिटिश कंपनी है, इन्होंने बोला कि हम हाईटेक हिंदुस्तान में लाएंगे, कुछ नहीं है, चाय को डब्बे में पैक करके भारत में बेच रहे हैं, कोई उसमें टेक्नोलॉजी नहीं। चाय भारत के खेतों में पैदा हो रही है, हमारे किसान उसे पैदा कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम हमारे मजदूर कर रहे हैं, सुखाने का काम मजदूर कर रहे हैं, बस उस चाय को वो खरीद के डब्बा बंद करके भारत में बेच रहे हैं, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है। डब्बा बनाना कोई हाईटेक आइटम थोड़ी होता है, और डब्बा बना के उसमें चाय पैक करना कोई हाईटेक बात थोड़ी होती है। एक कंपनी है कैडबरीज, वो चॉकलेट बनाती है, बिस्किट बनाती है और आइसक्रीम बनाती है, ये तीनों जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये टूथपेस्ट बनाती है, टूथब्रश बनाती है, टूथ पाउडर है, साबुन है, शेविंग क्रीम है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो भारत में दही बना के बेचती है। अब बताओ दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है, हम में से किसको नहीं आता दही बनाना, और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है, आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहाँ दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं, ना वो दही होता है, ना ताक होती है, ना मज्जगे होता है, ना दही होता है, ना तक्रम होता है, ना दही होता है, वो बीच की कोई चीज़ होती है, उसमें कुछ भी मज़ा नहीं आता पीने में, वो उनका दही है, उसको वो यहाँ ला के बेच रहे हैं, और हमारे कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग खरीद रहे हैं, इसमें मुझे अफसोस होता है। दही बेच रहे हैं और भारत के लोग जो सालों साल से हजारों साल से दही बनाने वाले लोग, श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना, श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है, अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है। एक कंपनी है हमारे देश में, वो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाईटेक नहीं है। इसी तरह से फिस्कर्स है, फन स्कूल है, जर्नल इलेक्ट्रिक है, जॉफ्री मैनर्स है, ग्लैक्सको है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, ऐसी हमारे देश में एक दो नहीं हज़ारों हज़ारों कंपनियाँ हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही हैं, कोई हाईटेक सामान नहीं है। 10% कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती हैं, जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कंपनियां हैं। एक है ना अशोक लीलैंड, तो अशोक तो भारत की कंपनी है, लीलैंड तो ब्रिटेन की कंपनी है। इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारुति सुजुकी, अब तो वो पूरी विदेशी हो गई, पहले आधा आधा था। कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं वो 10% का हिस्सा है, और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिए, वहाँ से बना बनाया इंजन लेके आते हैं, भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं।